चलो ये मैं ये कर अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो अभी यहाँ पर एक रैट स्नेक है इधर, ये फिश नेट इधर है, तो ये फिश नेट में आकर फंसा हुआ है। ये नाला जो है, पानी आता है तालाब से, पानी आके खेतों में जाता है, तो यहाँ पर ये जाली लगाए होते हैं, तो उसके अंदर ये जो है सांप किसी फिश के सपड़ने की वजह से मछली को पकड़ने के लिए या कुछ भी मेंढक वगैरह पकड़ने के लिए आके फंस गया है। इसको अभी हम लोग निकालेंगे, आप वीडियो में बने रहिए। पूरा फंसे से मैं इसे पहले यहाँ से बाहर निकलता। ये पहला निकालेंगे, इसे बाहर लेकर आता मैं पहला। गामिन है, बहुत बुरी तरह से फंसे तो हैं। क्या मछली पकड़ने जा रहे हैं? कौन तो डाला रहेगा। चलो ये मैं ये एक काम करो, तू पूंछ पकड़ को उधर बैठ। तू नहीं, इसका जस्ट ऐसा पकड़े तो बस। पहले ये बड़ा बड़ा वाला जाला में से निकालना, इसे पहले ये सब निकालना। एक मिनट, हाँ उत्तर लेता क्या देखो। थैंक यू भरे सर। ये बहुत खराब और डीप सप्रेस है, यहाँ बैटरी मारो इधर। नहीं आता बैटरी, जरा इधर मारो नजदीक कौन तो। बहुत खराब सप्रेशन है। चलो एक मिनट, वो निकालो, वो इधर उधर बैटरी मारो। ओपन हो रहा है लेकिन दिख रहा नहीं, बहुत सारे तार नीचे नीचे है। गाड़ी पे जा रहे हैं, काम आ रहे हैं।
ये पकड़ थोड़ा कौन तो ये पकड़ एक लगा कौन तो बैटरी लगा इधर तो हाँ नजीक नजीक बढ़ तू ये पकड़ चलो पूरा दूर निकालो ये पकड़ देगा नको नको देखो थोड़ा क्लोजअप लो इसका, अभी जबान बाहर आ रही इसकी, तो अभी इसके अंदर के जो भी धागे और वायर जितने फंसे हुए थे सब थोड़ा सफाई से मैं निकाल दिया। इसका मुंह के अंदर भी जाला फंसा हुआ था तो उसको भी मैंने निकाला। अभी इसमें ये थोड़ा वायर है, इस वायर को भी निकाल देता है। निकल गया नहीं? और क्या भी नहीं देखो यार, तू मुझे भी डराया तो आप भी बाजू बड़ को हाथ रखे मेरे पर वो ने पूरा अमन भैया तो पूरी तरीके से ये अभी आजाद है। मैं जो भी फिशिंग वगैरह करते उनसे कहना चाहता हूँ कि जब भी मछली पकड़ना है तो ऐसे जगह में मत डाला करो। ये रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर सांप वगैरह आते आते रहते हैं। अगर फिशिंग करना है तो बड़े नदी के एरिया में जहाँ पर फिशिंग करने के लिए आपको अच्छे भी अच्छा जगह भी मिलता है तो उधर कर सकते हैं। ऐसे जगह में कृपया करके आप लोग जाले वगैरह मत लगाइए। यहाँ पर जो भी ऐसे मासूम जानवरों को अपने जान से हाथ धोना पड़ सकता है। तो ये एक रैसनिक है, पूरी तरीके से घंटे से ये छटपटा रहा था, तो अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ इस तरफ। हाँ यहाँ छोड़ता है, क्लोज अप ले, छोड़ दे। ये एक रैट स्नेक है, रैट स्नेक जो बुरी तरीके से फंस गया था तो अभी ये चला जाएगा। सब लोग अभी जितने भी लोग मेरी मदद किए उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये हमारे अशफाक भाई है, तो ये हमारे अमन के पापा है राजेश साहब, इन्होंने मुझे इन्फॉर्म करके बुलाया। इन्होंने उधर पर देखकर खड़े रह के आवाज किए कि कोई आकर इसको मार ना दे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये लोग आदिवासी लोग हैं, गांव के लोग हैं, तो ये लोग मार सकते थे, तो उनको उन्होंने रोका। और इनका लड़का अमन है, ये भी कभी कभार अपने घर में जो भी सांप आते हैं यही खुद रेस्क्यू करता है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। सेव नेचर, सेव स्नेक, सेव एनिमल।